Hello everyone, welcome to third lecture of Doctrine of Basic Structure. In today's lecture, we are going to deal with case of Golaknath versus State of Punjab. This case came into 1967. Okay, now let's move on to the facts of the case. Okay, I said that in last case, the 17th last case, Insurgent Singh versus State of Rajasthan. In that case, the 17th Constitutional Amendment was challenged. Okay, 17th Constitutional Amendment was challenged, and 17th Constitutional Amendment brought some land reforms into the 9th schedule. 17th Constitutional Amendment ने क्या किया था? 17th Constitutional Amendment ने जो कुछ land reform legislations थे, उसे 9th schedule में insert किया गया था. For example, the Punjab Security and Land Tenures Act of 1953, इसको 17th Constitutional Amendment ने 9th schedule में डाल दिया था. जो वायलेट कर रहा था फंडामेंटल राइट्स के, मतलब जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की वायलेट कर रहा था, बेसिकली कौन था? राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा था. ओके, तो इसे चैलेंज किया गया था इस केस के अंदर फिर से. ओके, 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था. ओके, अब हम इस केस को और डिटेल में पढ़ते हैं. ओके, इसके अंदर जो एक फैमिली थी, हेनरी और विलियम गोलकनाथ की फैमिली, उन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की थी आर्टिकल 32 के अंदर फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. आपको पता है कि हम रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं आर्टिकल 32 की मदद से सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और आर्टिकल 226 की मदद से हाई कोर्ट के अंदर. हमारे पास 5 तरह की रिट्स होती है, रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस, मैनमस, सर्शरी, प्रोहिबिशन और को वारंटो. ओके, और इन्हीं और एक रिट पिटीशन फाइल करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, ओके, हेनरी और विलियम गोलकनाथ ने एक रिट पिटीशन फाइल की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 की मदद से फॉर द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. और कौन कौन थे फंडामेंटल के राइट्स के वायलेशन के लिए? राइट टू एक्वायर एंड होल्ड प्रॉपर्टी आर्टिकल 19F के अंदर जो प्रोटेक्टेड था, 19(1)(f) के अंदर, बेसिक मतलब अच्छे से बोलो तो. ओके, फिर उसके बाद में राइट टू प्रोफेशन जो आर्टिकल 19(1)(g) के अंदर प्रोटेक्टेड था. ओके, फिर उसके अंदर राइट टू इक्वालिटी, ओके, राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो हम कहते हैं दोनों, वो आर्टिकल 14. ओके, इन तीनों का वायलेशन हो रहा था. ओके, तो इन तीनों को वायलेशन, उन्होंने कहा था कि ये हमारे तीनों ये तीन आर्टिकल्स हमारे वायलेट हो रहे हैं. ओके, और इनके वायलेशन होने की वजह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की थी, और उन्होंने 17 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1964 को चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर. ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस का सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट कि इस केस के अंदर 11 बेंच कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, 11 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, और इस 11 बेंच ने ओवर रूल किया था शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के अंदर जो जजमेंट दी थी, उसे ओवरलोड किया बाय द मेजोरिटी ऑफ 6:5 रेशो. क्या किस मेजोरिटी? 6:5 रेशो की मेजोरिटी से उन्होंने ओवरलोड किया जो जजमेंट सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, उसे ओवरलोड कर दिया, उसे चेंज कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज को बताया था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है कि ऐसे फंडामेंटल राइट्स आर द सुप्रीम. ओके, ट्रांसेंडेंटल का मतलब होता है सुप्रीमेसी, कि फंडामेंटल राइट आर द सुप्रीम. ओके, एंड इनम्यूटेबल. इनम्यूटेबल मतलब उन्हें चेंज नहीं कर सकते. ओके, ऐसे जो फंडामेंटल राइट्स जिसे हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया दैट फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, मतलब दे आर सुप्रीम, एंड इनम्यूटेबल जिसका मतलब है उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता. मतलब इस लाइन से सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल, मतलब सुप्रीम है, और इनम्यूटेबल है क्योंकि उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है. ओके, तो वो सुप्रीम है और उन्हें चेंज नहीं किया जा सकता है. ये इस गोलकनाथ की जजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसे याद रखिए. ओके, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड सुप्रीम, जिसका मतलब है दे आर सुप्रीम और उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते हैं. ओके, और म्यूटेबल का आपको पता है, जैसे अभी पैंडेमिक चला, म्यूटेबल हम बोलते हैं कोरोना वायरस म्यूटेट हो गया, मतलब चेंज हो गया.
और उसका ऑपोजिट इनम्यूटेबल, मतलब वो चेंज कभी हो नहीं सकता है, तो उसके फंडामेंटल राइट्स कोई चेंज नहीं कर सकता, उसका मतलब इधर यही होता है। ओके, हेंस द पार्लियामेंट कैन नॉट अप्रीच और टेक्स अवे एनी ऑफ दिस फंडामेंटल राइट्स, ओके ओके, विच आर आउटसाइड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। इसका मतलब ये इन्होंने क्या कहा, अगर फंडामेंटल राइट्स को ये इम्यूटेबल है, उन्हें चेंज नहीं कर सकते, वो सुप्रीम है, इसका मतलब है कि ये अमेंडिंग पावर है, दे आर आउटसाइड आउटसाइड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। क्या है वो? आउटसाइड है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट से, आउटसाइड, ओके आउटसाइड है, आउटसाइड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, इसलिए पार्लियामेंट इनको इनको क्या अब्रीच नहीं कर सकती, इन्हें टेक अवे नहीं कर सकती है, क्योंकि पार्लियामेंट ऐसे फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकती, अब्रीच नहीं कर सकती, डायलीट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि ये आउटसाइड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट है। और आउटसाइड क्यों है? क्योंकि ये ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है, ये सुप्रीम है, और इन्हें कोई इनके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हम, समझा? तो इम्पोर्टेंट क्या है, सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स को अब्रीच, डायल्यूट और टेक अवे नहीं कर सकता है, क्योंकि ये उसके अमेंडिंग पावर के बाहर है। और इनके अमेंडिंग पावर से बाहर क्यों है? क्योंकि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, क्योंकि वो सुप्रीम है और वो अनचेंजेबल है। ओके, तो यही ये सबसे इम्पोर्टेंट जजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जजमेंट का। ओके, और उसके बाद में उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, इज ऑल्सो अ लॉ अंडर द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13। मैंने आपको कहा था कि आर्टिकल 13 क्रॉस 3 क्या डील करता है, वो लॉ की डेफिनेशन डील करता है, लॉ के डेफिनेशन में क्या क्या फॉलो करता है। तो लास्ट जजमेंट के अंदर शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह के डेफिनेशन में कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ के डेफिनेशन में फॉलो नहीं कर सकता है, लेकिन इस केस ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स भी लॉ के डेफिनेशन में फॉलो करते हैं, और इसलिए अगर वो लॉ के डेफिनेशन में फॉलो करते आर्टिकल 13(3) के क्लॉज के अंदर, तो हम उसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 जो डील करता है जुडिशियल रिव्यू के अंदर, उसमें चैलेंज कर सकते और उसे हम वॉइड भी डिक्लेयर कर सकते ऐसे लॉ को जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। ओके, और इसके अंदर थर्ड पॉइंट ये भी कहा गया था कि आर्टिकल 368 ओनली डिफाइंस द प्रोसीजर। ओके, आर्टिकल 368 डिफाइन करता है, प्रोसीजर डिफाइन करता है कि वो पार्लियामेंट प्रोसीजर डिफाइन करता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे करें। इट डज नॉट ग्रैंड पावर टू पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये पॉइंट शायद आपको अभी समझ में नहीं आए, ये पॉइंट आपको 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में अच्छे से समझ में आ जाएगा इस पॉइंट का मतलब। ओके, तो इससे गोलक नायक के जजमेंट से तीन टेक अवे से, तीन मेजर पॉइंट से। फर्स्ट पॉइंट कि फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल, मतलब वो सुप्रीम है और उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, इसका मतलब वो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडिंग पावर से बाहर है। ओके, आउटसाइड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट, की पार्लियामेंट की जो अमेंडिंग पावर है उससे वो बाहर है। ओके, ऐसे पार्लियामेंट उन्हें अमेंड नहीं कर सकती है। सेकेंड, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से वो लॉ के डेफिनेशन में फॉलो करते, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 के अंदर जो लॉ के डेफिनेशन है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स फॉलो करते हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आर्टिकल 368 डिफाइन करता है, प्रोसीजर डिफाइन करता है, सिर्फ क्या डिफाइन करता है, ओनली प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये इट डज नॉट ग्रैंड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, ये पावर ग्रैंड नहीं करता है पार्लियामेंट को अमेंड करने के लिए। ये तीन मेजर पॉइंट्स थे जजमेंट्स के, जिसको आपको याद रखने की जरूरत है। ओके, आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। ओके, और इसी के साथ मैं आपको गुड बाय कहता हूँ। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आपको अगले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू वेरी मच।